हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर ट्रिम्प अकेडमी. माई सेल्फ डॉक्टर काजल राय एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन डू फिल्ट्रेशन इन योर एमएस एक्सेल शीट्स. फिल्ट्रेशन हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास बहुत सारा डेटा है अगर हमें, लेकिन हमें पर्टिकुलर डेटा सर्च आउट करना हो, बहुत सारी एंट्रीज हो और पर्टिकुलर डेटा सर्च आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे अभी कम डेटा है, ओनली 22 एंट्रीज आर देयर. फर्स्ट इज द हेडिंग, I will make it bold so that you can easily see it. Also, I am doing it zoom so that you can easily see my data. You will have, don't have any problem. So, let's talk about now how you can do filtration. Suppose there is data and you need to figure out, आपको filter करना है किसी basis पे. तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे data tab पे जाना पड़ेगा. ऊपर आपको डेटा टैब्स दिखेंगे, कई सारे मल्टीपल टैब्स एक्सेल में. जब आप डेटा टैब पे जाएंगे तो यहाँ आपको एक फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा. ठीक है, आप इस फिल्टर के ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके जो फर्स्ट रो थी, जो आपकी हेडिंग कॉलम आपने सिलेक्ट करनी थी, सिलेक्ट करी हुई थी मैंने, इसीलिए फिल्टर हो गया. अगर आपने सिलेक्ट नहीं की हुई है तो पहले आप इसे सिलेक्ट करेंगे जिस बेसिस पे आप इसको डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, और फिर फिल्टर पे क्लिक कर देंगे. जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ जाएंगे इस तरीके से, सारे में जितनी वैल्यूज होंगी उसमें उसके अकॉर्डिंगली. नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा फिल्टर हो जाए, किस तरीके से? नेम वाइज फिल्टर हो जाए. हमें सिर्फ कुछ ही नेम्स लेने हैं, सारे नहीं लेने. तो तब सबसे पहले तो आप सिलेक्ट ऑल को डीसिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि सारे हमें नहीं चाहिए. हमें सिर्फ डेविड का डेटा चाहिए था और डोनाल्ड का डेटा चाहिए था, तो ये मैंने दो डेटा सर्च आउट कर लिया. ठीक है, इसी तरीके से आप एज वाइज भी कर सकते हैं, इनकम वाइज भी कर सकते हैं. मैं इसको पहले सिलेक्ट ऑल कर देती हूँ, एक बार आपको फिर से करके दिखा देती हूँ. अगर मुझे एज वाइज देखना है कि किसकी एज मेरी, पहले तो डी सिलेक्ट करूंगी और एज जिसकी 35 और 32 है, 35 से नीचे वाले ही हैं बेसिकली ये जो मेरी एंट्रीज में है, तो उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया, वो सारे आ गए मेरे पास. अब इसमें से भी मैं उनको देखना चाहती हूँ, डबल फिल्ट्रेशन कर रहे हैं आप, ये है मल्टी लेवल फिल्ट्रेशन. मल्टी लेवल का मतलब है मैंने एक लेवल पे कर दिया, एज के बेसिस पे कर दिया, अब मैं इनकम के बेसिस पे भी करना चाह रही हूँ. इनकम मैं देखना चाहती हूँ कि जिसकी ज्यादा हो कुछ इनकम, इस तरह से. यहाँ पे मैंने देखा कि जिसकी 55,000 से ज्यादा इनकम है, सिर्फ वही डेटा मेरे पास आ जाए, तो ये डबल फिल्ट्रेशन हो गया. ओके, नाउ अब मुझे 55,000 से अबव वाले देखने के लिए ना, मुझे इस तरह से मल्टीपल चेक्स पे करना पड़ा. अगर मैं चाहूं तो यहां नंबर फिल्टर्स कर सकती हूँ. नंबर फिल्टर्स पे जाके अबव एवरेज निकाल सकती हूँ, टॉप 10 निकाल सकती हूँ, जो भी मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं, या ग्रेटर देन में मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कि किसने से ग्रेटर होना चाहिए. मुझे लगा था 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, ओके कर दूंगी, तो ये हो गया. तो इस तरह से भी बार बार एक एक चीज को चेक लगा के करने की जरूरत नहीं है आपको. आप वैल्यू फिल्टर्स या नंबर फिल्टर्स लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके आ जाएंगे. ये अभी छोटा सा डेटा था, इसीलिए इजीली हो गया. बहुत बड़ा डेटा होता है तब आपको बहुत जरूरत पड़ती है फिल्ट्रेशन की. ये तो था हमारा हाउ टू वी कैन डू द फिल्टर. नाउ अगर आपको फिल्टर रिमूव करने, सारे के सारे एक साथ करने, आप दोबारा से फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, सारे फिल्टर आपके क्लियर हो जाएंगे, आपके अनचेक हो जाएंगे और यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा आपको दिखाई दे जाएगा. तो ये था हमारा हाउ टू डू फिल्टर्स. ये सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जाके हम पाइवट टेबल्स के बारे में सीखेंगे कि पाइवट टेबल्स कैसे बनाते हैं, जो हमारे डेटा को एनालाइज करने में बहुत काम आती है. और आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा एनालिस्ट एक बहुत ही अहम जॉब होती है, इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है डेटा एनालिस्ट. तो आपको बारे में पता होना चाहिए पाइवट टेबल्स के बारे में कि किस तरह से आप बहुत बड़े डेटा को भी, बिग डेटा, लार्ज डेटा सेट को सिंपली टेबल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, समराइज कैसे कर सकते हैं, उनके ग्राफ्स कैसे बना सकते हैं. बहुत इजी है. आई विल शो यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.